हूं मैं पहले। अब 25 देखो, सवाल तो बहुत सीधा सा है ना। कितना दे रखा है, साइन पाई एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। तो वही हम एफ डैश एक्स निकाले, हम एफ डैश एक्स निकाले तो हम एफ डैश एक्स स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा, पाई कॉस पाई एक्स एक्स स्क्वायर का 2x और साइन पाई एक्स। अब इसमें से जैसे ही आप एफ डैश एक्स आप कॉमन ले लो इसमें से 2 cos πx है ना, x भी बाहर ले लो। तो अगर x पाई एक्स बाहर ले लेंगे अपन, 2 cos πx बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा पाई एक्स बाई 2 - tan πx अपॉन कितना हो जाएगा x4। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात हमें देखनी पड़ेगी इसमें। देखो अब थोड़ा सा इसको हम समझें, कैसे समझें कि हमें इसका मैक्सिमा मिनिमा देखना है कि कहाँ ये मैक्सिमा लेगा कहाँ ये मिनिमा लेगा, है ना, वो हमें देखना है। मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा मिनिमा देखना है। चलिए ठीक है, तो x³ बचेगा। चलो ठीक है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दो टर्म हमारे पास। अब हमें देखना है कि कहाँ ये पॉजिटिव है कहाँ ये नेगेटिव। तो समझो ये वो चीजें एक तरह से, ये एक तरह से आप x/2 tan x समझो ना। अगर x tan x होता ना तब तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि x - tan x तो हमेशा नेगेटिव होता है। यस और नो, x - tan x तो हमेशा नेगेटिव होता है। अपना क्लास में करा हुआ सवाल है x - tan x वाला, तो जब साइन एक्स अपॉन एक्स वाला अपन ने क्लास में किया था, तो अगर ये x - tan x बनता ना तब तो देखने की जरूरत ही नहीं थी। हमें पता था कि यार ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। फिर तो सारा डिसाइडेशन इस cos πx से ही हो जाता। लेकिन चलो अभी भी कोई बुरा सवाल नहीं है, इसको आप ऐसे समझ लो ये एक तरह से t/2 - tan t लिखा हुआ है ना, इसी तरह का कुछ है। पाई एक्स बाई टू को तुम t समझ लो, है ना। तो देखो एक ग्राफ हम बना लेंगे जिससे हम ये ऑब्जर्व कर लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है। थोड़ा सा और इधर मैं बनाता हूँ, बहुत सीधा सा सवाल है ये, है ना। अभी तुम्हें लगेगा कि हाँ यार वाकई में सीधा सवाल था ये। जैसे हम टेन की बात करें तो टेन की बात करें तो ये टेन का ग्राफ मैं बना देता हूँ, है ना। तो ये आपका 1/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। 3/2 पाई एक्स के केस में कितना हो जाएगा, 10π/2 हो जाएगा ना। 3/2 है लेकिन पाई एक्स है ना, तो ये π/2 हो जाएगा, वही चीज बन जाएगी, है ना भाई। पाई एक्स बाई ये 3π/2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एक मान लीजिए मैंने लाइन बना दी, कौन सी बेटा, tan x/2 वाली। एक मैंने लाइन, थोड़ा सा और इस ग्राफ को बड़ा बनाना पड़ेगा, 2 से आगे भी देखना पड़ेगा। थोड़ा सा ये लिख लिया मैं, इसको हटा के थोड़ा सा आगे इस ग्राफ को बना देता हूँ ताकि अपन एक और ऑब्जर्वेशन को इसको कर लेंगे, है ना। मैं तो थोड़ा सा आगे तक इस ग्राफ को बनाता हूँ। ये 2 और ये 5π/2, 5/2 हो गया ना। एफ डैश एक्स मेरे पास क्या था, cos πx 2 cos πx इंटू πx/2 - tan πx अपॉन x³, है ना। अब x तो पॉजिटिव है इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं, नीचे वाला x³ तो पॉजिटिव होगा। एक मैं लाइन बना देता हूँ y = x/2, तो ओरिजिन से जाती हुई एक लाइन बनेगी y = x/2, और क्या है, ओरिजिन से जाती हुई एक लाइन बनेगी y+2, ये πx/2 समझ लो, πx/2 लाइन है ना। अब यहाँ पे समझो देखो, जैसे ये क्या कह रहा है कि जैसे कोई पॉइंट ले लो, ये x1 ले लेता हूँ मैं इसको, है ना, कुछ भी पॉइंट ले लेता हूँ। एक मैक्सिमा का पॉइंट होगा और एक मिनिमा का पॉइंट होगा, है ना। अब ध्यान से समझना मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट कैसे देखना है हमें। जैसे मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट ले लिया x1, है ना, ये कोई पॉइंट है x1 है मेरा, है ना, कोई भी पॉइंट है ये x1 है। अब इस x1 पे समझना देखो, ये 2 से 5/2 के बीच में है, ध्यान से समझना, ये तो पॉजिटिव हमेशा है ही सही तुम्हारा। x1 के पहले इधर, x1 से बड़े के लिए, x1 से बड़े के लिए टेन का ग्राफ तो बड़ा होगा और लाइन नीचे होगी। देखो टेन ऊपर होगा लाइन नीचे होगी, टेन ऊपर लाइन नीचे होगी तो नेगेटिव होगी क्वांटिटी,
टेन ऊपर होगा, लाइन नीचे होगी तो क्वांटिटी नेगेटिव होगी उस तरफ, एक्स वन के उस तरफ टेन का ग्राफ ऊपर है, लाइन नीचे है, तो डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यस और नो? नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव, और कॉस तो पॉजिटिव रहेगा। देखो 2 पाई से 5 पाई बाई 2 में, 2 पाई से 5 पाई बाई 2 में कॉस तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, और माइनस प्लस होगा तो ये क्या जाएगा, मैक्सिमा जाएगा, इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा। इसके पहले कोई पॉइंट है, मान लो वाई वन, तो अब इस वाई वन को समझो, ये मान लो तुम्हारा वाई वन है, समझना बेटा अब इस वाई वन को, तो इस वाई वन को समझोगे तो ध्यान से समझो, ये π से 3π/2 के बीच में है, π से 3π/2 में कॉस तो नेगेटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है ना? तो अब वही वाई वन के इधर देखो, तो वाई वन के इधर ये होगा तो ये तो नेगेटिव होगा, लेकिन कॉस नेगेटिव होता है बेटा, ये भी नेगेटिव होगा लेकिन कॉस नेगेटिव होता है, तो ये प्लस ही रहेगा, तो ये अपन ने सही लगाया है ये प्लस, और इधर माइनस रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, मिनिमा बन जाएगा। समझ में आ गई कहानी? तो ये मिनिमा, फिर x2 y2 वैसा का वैसे ही चल जाएगा, अगला y1 आ जाएगा, फिर y2 आ जाएगा, y2 आ जाएगा, फिर अगला x2 ले लेना, तो ऐसे मैक्सिमम मिनिमा आते रहेंगे। इसका लॉजिक समझ में आ गया ना, y1 cos नेगेटिव हो गया बेटा, cos नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और इधर ये नेगेटिव रहेगा, तो पता लग गया मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट। हाँ इंटरवल से तो भाई आपको देखना पड़ेगा ना, तो अपन ने दो चीजें देखी भाई, इस वाई वन पे पहले तो इसका नेचर देखा, तो इसका नेचर तो नेगेटिव आया, लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा है ये, तो उसमें ये कॉस क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है भाई, ये तो पॉजिटिव है डिसाइड हो गया, लेकिन ये तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो सवाल अच्छा है, टफ सवाल नहीं है, है ना? आपको देखना है ये पॉजिटिव, तो बस मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड हो, तो यही पैटर्न आगे फॉलो होता जाएगा, यही पैटर्न आगे फॉलो होता जाएगा। नेगेटिव तो ऐसे हुआ ना, आप समझो इसके इधर वाई वन के इधर ये टेन वाला ग्राफ नीचे है, लाइन वाला ऊपर है, तो लाइन वाला ऊपर है, टेन वाला नीचे है, तो वाई वन के इस तरफ ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव होगी, ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव होगी, लेकिन कॉस तो नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव तो आएगा, इधर नेगेटिव, इसको देखो ना, वाई वन के इधर लाइन ऊपर है, टेन नीचे है, तो डिफरेंस नेगेटिव पॉजिटिव होगा, लाइन ऊपर टेन नीचे, तो डिफरेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो अब जैसे डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन अब कैसे आपको देखना है वो आप देख ही लो कि भाई x1 y1 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कह रहा है x1 छोटा है, नहीं x1 नहीं होगा, x1 तो बड़ा होगा, y1 छोटा होगा, है ना? और जैसे डी ऑप्शन में दे रखा है एन बराबर 1 पे ले लोगे तो 2 से 5 बाई 2, 2 से 5 बाई 2 में एन बराबर 1 पे 2 से 5 बाई 2 के बीच में आ जाएगा ना एक्स वन, तो x1 2 से 5 बाई 2 के बीच में आएगा, x2 लोगे तो वो 4 से 4 प्लस 1 बाई 2 के बीच में आएगा, क्लियर है? यस और नो बोलो, फिर अगले सवाल पे बढ़ेंगे। और मैक्सिमम मिनिमा तो अल्टरनेट आएंगे ना, फिर वाई टू पे मिनिमा आ जाएगा, फिर x2 पे मैक्सिमा आ जाएगा, अल्टरनेट ही तो आएंगे, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, तो यहाँ मिनिमम आएगा यहाँ मैक्सिमम आएगा, पूरा तो देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक हो गया ना, तो 25 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या है, 25 के बाद 26, तो अपन ने क्लास में भी तो किया था इस तरह का एक सवाल कि दो वर्टेक्स तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं और दो ई की पावर माइनस एक्स पे लाई करेंगे, ये अपन ने क्लास नोट्स में किया था, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर था, ई की पावर माइनस मोड एक्स था शायद, कि एक रेक्टेंगल बनाना था उसका एरिया मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना था,
और दो वर्टेक्स तो एक्स अक्ष पे थे और दो वर्टेक्स कर्व पे थे, वो ही वाला सवाल है। हाँ 26 सेम वही वाला सवाल है कि ग्राफ कौन सा है, साइन 2x, एक्स कहाँ से कहाँ तक जाए, 0 से π/2, तो 0 से π चल जाएगा, 0 से π/2 चल जाते हैं। हाँ, और ये है y=2 sin 2x, तो ये बन जाएगा। अब जो रेक्टेंगल बनाना है उसके दो वर्टेक्स तो इसी पे लेने हैं, एक्स एक्सिस पे, दो वर्टेक्स तो इसी पे लेने हैं एक्स एक्सिस पे, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। और इसका एरिया मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना, इस तरह का सवाल किया था मेरे को याद है, मैंने शायद e की पावर -mod x के लिए करवाया था, या e की पावर -x² के लिए करवाया होगा, किसी के लिए कराया होगा। अब जैसे कुछ भी ले लो आप इसको, कोई पॉइंट ले लो, जैसे ये आपका पॉइंट होगा कितना, π/4 है ना, ये पर्टिकुलर π/4 है ना, तो आप जैसे इस डिस्टेंस को अल्फा ले लो, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका π/4 + α, ये पॉइंट हो जाएगा आपका π/4 - α, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, π/4 + α और 2 sin 2 π/4 + α, ये हो गया। एरिया मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है तो इसको एक वेरिएबल की टर्म में याद लाना पड़ेगा। तो अब आपके पास इसकी एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ये तो कितना हो जाएगा, अल्फा अल्फा 2α बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, 2 sin, इसको ऐसे लिख लो, π/2 + 2α, तो एरिया क्या हो गया आपके पास, 2α 4α, साइन की जगह भी कितना हो जाएगा, कॉस 2α। अच्छा कुछ दे रखा है क्या, और जानकारी क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच हैज मैक्सिमम पेरीमीटर अलोंग ऑल सच रेक्टेंगल्स। अच्छा मिनिमाइज मैक्सिमाइज किसको करना है, पेरीमीटर को, तो एरिया तो निकालना है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज पेरीमीटर को करना है, तो पेरीमीटर निकाल लो, तो पेरीमीटर क्या होगा, ये तो 2α हो गया, पेरीमीटर मतलब ये 2α ये 2α है ना, तो ट्वाइस इंटू 2α + ये कितना हो जाएगा, अपन ने देखा भी ये कितना हो रहा है, cos 2α 2 cos 2α, ये हो रहा है। इसको अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और जो अल्फा की वैल्यू आएगी उस पर एरिया निकाल लेंगे, जो पेरीमीटर मिनिमम मैक्सिमम से अल्फा आएगा उससे वो निकाल लेंगे। कर लोगे क्या ये आगे, या मैं करूं, अल्फा का 1 2 sin 2α बराबर 0 कर लोगे तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव से पता लग जाएगा किस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा, किस क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमा आएगा, और अल्फा की वो वैल्यू यहाँ पे डाल देना, एरिया जाएगा। यस और नो, सवाल सारे इस तरह के करे हुए हैं अपने, अब थोड़ा प्लस माइनस तो बनेगा बेटा, उसका तो क्या कर सकते हैं ना, क्लियर हो गया ये, इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है और जो अल्फा आएगा उसको ये निकालना है। ठीक है और बोलो जल्दी से, 27 हो गया, अच्छा ट्वेंटी एट में क्या है, 28 में क्या है, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है यार, ये एक्चुअली बेटा 28 डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है ना, ये यहाँ पे गलत डाल दिया हमने, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। ना ये जो कर्व है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्व होगा, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा एक्चुअली, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने पहले भी कहा ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो अब वो क्या इंटीग्रेशन होगा, पता नहीं तुम्हें याद है नहीं, इंटीग्रेशन अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, ये वेरिएबल सेपरेबल फिजिक्स वगैरह में अगर कुछ पढ़ाया हो कराओ तो उससे होगा, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln mod y, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ बेटा, और ये कितना हो जाएगा, 1/b tan inverse b/x x/b, आता है क्या याद, ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला पता है क्या इसका, tan inverse x/b, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan inverse x। चलो कोई बात नहीं, आप ज्यादा मत सोचो, तो ये y = ± e की पावर 1/b tan inverse x/b आ जाएगा, अभी के लिए समझ लो ये चीज डायरेक्ट है,
अब उसने देखो एफ जीरो वन दे रखा है, तो एफ जीरो पे टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, ये तो पता है टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, तो टेन इनवर्स जीरो जीरो होगा तो ये ई जीरो से वन आएगा, तो वन एफ जीरो वन है तो आपको पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा इसमें से, पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा। अब फंक्शन निकल गया ना, तो अब आप एफ ओफ एक्स, ये एफ ओफ एक्स आ गया बेटा आपका है ना, तो एक्चुअली ये जो सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन लिखा हुआ गलत है, सी ऑप्शन ये लिखा हुआ है एफ ओफ एक्स इंटू एफ ओफ माइनस एक्स बराबर वन, तो वो एफ ओफ एक्स एफ ओफ माइनस एक्स लिखोगे ना तो वन आ जाएगा, ई की पावर जीरो बन जाएगा, ई की पावर जीरो से वन आ जाएगा है ना, ये एफ प्रिंट नहीं हुआ। और देखो इसको तो सोल्व ही नहीं करना है ना, आप देखो एफ एक्स ई की पावर एक्स है तो ये एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, एफ एक्स पॉजिटिव होगा तो ये एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव होगा भाई, वैसे भी यहाँ पे बी स्क्वायर आ रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव का इम्पैक्ट है नहीं, तो एफ एक्स अगर पॉजिटिव चाहे भी कुछ नहीं तो सवाल है। और ये जो सोल्व करना है ना, इसको अभी थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, ये अपन को नहीं आता, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में सीख लेंगे अपन। चलो बाकी हो गए 29, तो सीधा सा है, डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव से निकल जाएगा, हो गए और कुछ हो तो पूछ लो बेटा, 29 तो हो जाएगा ना डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, इसको सिंपलीफाई कर लो। हाँ तो क्या दिक्कत है, डिफरेंशिएशन कर लो ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी ना है, पहले होल स्क्वायर ओपन कर लो, चाहो तो पहले होल स्क्वायर ओपन कर लो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी ट्रिग्नोमेट्री में, डायरेक्ट भी कर लो चाहो तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई। अगर तुम इसको लिखोगे तो जैसे साइन स्क्वायर कॉस थीटा, ये टू साइन थीटा, साइन टू थीटा हो जाएगा पहले वाला, तो होल स्क्वायर ओपन कर दो। अच्छा इसमें भी अंदर होल स्क्वायर कर लोगे तो ये वन माइनस साइन टू थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और क्या, तो सिंप्लीफाई होकर कितना बन जाएगा, वन और वन टू, माइनस साइन टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा, ये फंक्शन बन जाएगा। अब तो सिंपल है मेरे ख्याल से, एफ डैश थीटा करूं, पूरा करूं, कर दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं तुमको, तो एफ डैश थीटा कितना हो जाएगा, कॉस टू थीटा इंटू टू, और इसका कितना हो जाएगा, टू साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का कॉस टू थीटा इंटू टू। अभी तो शायद क्लास में भी करा हुआ सवाल है अपना इसी तरह का, एफ डैश थीटा के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, कॉस टू थीटा तो कॉमन और टू भी कॉमन, तो ये साइन टू थीटा टू साइन थीटा माइनस, पॉइंट आ जाएंगे कहाँ कहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, डबल डेरिवेटिव से मैक्सिमम मिनिमा देख लेंगे, क्लास में कल या शायद इस तरह का एक सवाल बना था मेरे ख्याल से। ग्लोबल मैक्स की शीट अपनी हो गई है, अब कल से अपन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की शीट शुरू कर देंगे है ना, कल से मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की शीट शुरू करेंगे। अच्छा एक बात और बताओ, डीपीपी का क्या स्टेटस चल रहा है, इस वीक की डीपीपी डिसाइड करके दे दी थी क्या मैंने, दो डीपीपी कर ली क्या वो इस वीक वाली, कहाँ पे हैं अपन डीपीपी पे? नीरज चोपड़ा लिख रहा है बहुत बुरा हाल चल रहा है, तो बेटा बुरा तो चलेगा ना, देखो डिस्कशन के लिए आप लोगों को भी एक्टिव रहना पड़ेगा। अब जैसे सैटरडे परसों मैंने होमवर्क दिया और होमवर्क थोड़ा सा था, तो आप लोगों को बोलना चाहिए था कि सर दो डीपीपी ले लो, वो होमवर्क वाली डीपीपी बता दो, हम छुट्टी आ रही है कर लेंगे, अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो मैं क्या क्या याद करके दूंगा। हाँ तो फिर अब बताओ उसमें मैं भी क्या करूं भाई, ऐसे मैं तो सारा दे दूंगा, लिख लो दो डीपीपी होमवर्क में, देखो मेरे होमवर्क देने में मुझे क्या जाता है, तुम्हें टाइम भी तो मिलना चाहिए करने का भाई, अगर आप एनसीईआरटी करोगे, शीट करोगे, क्लास नोट रिवाइज करोगे, तो मेरे ख्याल से ये भी पूरा नहीं हो पाता होगा, बहुत से बच्चों का तो ये भी छूट जाता होगा बेटा, क्योंकि तीन तीन सब्जेक्ट का होमवर्क मिलता है और मुझे नहीं लगता कि तीन तीन सब्जेक्ट में इतना सारा होमवर्क बच्चा कर पाता होगा है ना, तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा। है ना, तो वो इसलिए है, तो अब
और फिर 11th भी रिवाइज करनी होती बीच बीच में। तो ऐसा है कि देखो, हाँ तो अपन तो ये है कि देखो, एक एक दो दो डीपीपी तो वीक टू वीक चलाते रहेंगे, है ना, और जो कुछ बचेगी आखिरी में कर लेंगे, रिवीजन हो जाएगा आखिरी में, है ना, बाकी आखिरी में रिवीजन हो जाएगा भाई। एक्चुअली क्या है कि अपन 30-40 मिनट से ज्यादा अगर रोज डिस्कशन में लगाएंगे तो वो भी गलत है भाई। 30-40 मिनट से ज्यादा डिस्कशन में नहीं लगने चाहिए। अगर 30-40 मिनट से ज्यादा डिस्कशन में लगाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं थ्योरी वाला पोर्शन कम करना पड़ता है, और थ्योरी वाला पोर्शन अपन कम करेंगे नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली नोट्स अच्छे से बने हुए होते हैं तो काम वही आते हैं, बाकी कोई चीज ज्यादा काम नहीं आती, है ना। तो ठीक है, तो अपन ने डीपीपी कल कहाँ तक ली? अरे वाह, देखो एक आदित्य आनंद है, आदित्य आनंद जी ज्ञान बांटने लग जाए, है ना। हाँ आदित्य बेटा, ये आपका ट्रेड रहेगा तो आपका काम मुश्किल हो पाएगा बेटा, है ना। दूसरों को दोष देने से अच्छा है बेटा कि चलो घर, कोई बात नहीं। नहीं कोई बात नहीं आदित्य, मैं तो जो मुझे बुरा लगता है मैं उसका हाथ हाथ रिप्लाई देता हूँ बेटा। भाई अगर मैं चैट पढ़ूंगा और मुझे कुछ बुरा लगेगा तो मैं तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा बेटा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ पढ़ के चुप रह जाऊंगा, है ना। चलो, है ना, चलो। तो जो भी है, दो डीपीपी आप कर लें। नहीं, इट्स ओके आदित्य, है कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। अपन एनसीआर, ठीक है। मेन चीज बेटा रिवीजन होती है। देखो आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। तो अगर आप किसी व्यक्ति से पूछोगे जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, देखो दो चीज होती है, अगर जिसका सिलेक्शन हो गया उससे आप पूछोगे ना तो वो आपको काम की बात तो कम बताएगा और हीरोगिरी ज्यादा बताएगा, अरे कुछ नहीं हो जाता है यार, ये ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है बस। और आपको अगर वाकई में जीवन में कुछ सीख ली नहीं है तो उस व्यक्ति से पूछो कि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जैसे कोई 2 साल पढ़ा हो, 3 साल पढ़ा हो, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उससे पूछो। अच्छा उससे भी ढंग से पूछना, उससे ढंग से पूछना, उससे ऐसे मत पूछना और सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ, मारेगा तुम्हें पकड़ के। तो उससे ये मत पूछना कि यार और सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ, उससे ढंग से पूछना कि भाई भैया क्या कारण रहा, कि मतलब उससे पूछना कि भैया आपने IIT दी है तो आपको अनुभव है, तो मुझे बताओ कि भाई क्या क्या वजह होती है कि भाई 2-3 साल तैयारी के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है ना। तो वो बताएगा आपको कि सिलेक्शन नहीं होने का जो मेन कारण है वो ये है कि जब वो JEE का पेपर देने गया था तो उसको कुछ याद ही नहीं था कि उसने क्या पढ़ रखा है, किस तरह के सवाल कर रखे, वो लगभग लगभग आधे से ज्यादा सिलेबस भूल गया था। इसके अलावा वो कोई कारण नहीं देगा बेटा, क्योंकि उसको चीजें याद ही नहीं रही होगी जब पेपर देने गया होगा। तुम भी इस बात को अनुभव करते होंगे, अभी भी कोई टेस्ट देते होंगे तो 11th के कुछ सवाल तो ऐसे भी छूट जाते होंगे जो तुमने सेम टू सेम कर रखे होंगे पहले 11th में, उस टाइम कर रखे होंगे लेकिन अब पेपर में नहीं बनते। तो यही कारण है, जो सिलेक्शन नहीं होने का कारण है वो यही है कि हम 2 साल में जब JEE का पेपर देने जाते हैं ना तब तक हम आसान आसान चीजें भी भूल जाते हैं। तो जो जब से बेस्ट ऑप्शन होता है ना वो होता है रिवीजन। जब तक आपको चीजें याद रहेगी ना तो ग्रिप अपने आप बनेगी चीजों में। ठीक है ना, तो रिवीजन पे बेसिकली ध्यान दो, है ना। होमवर्क ठीक
है, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा बनाने की, और होमवर्क में बस ये रखो कि शीट और एनसीईआरटी मैक्सिमम बनती रहे, है ना, वो बनती रहनी चाहिए। डीपीपी तो ऐसा भी नहीं है, अपन जैसे मेंस दे लेंगे उसके बाद रिवीजन के टाइम भी डीपीपी आप लोग बना सकते हो। हालांकि मैं अपनी तरफ से कोशिश करके दो दो तीन तीन डीपीपी लेता रहूंगा, है ना, लेकिन अब मैं भी कोशिश ही कर सकता हूँ, है ना, लेकिन अपन पहली प्रायोरिटी उस बात पे दे जो जिससे हमें फायदा ज्यादा होने वाला है ना। तो अपन डीपीपी कहाँ तक कर चुके हैं एक बार मुझे बता दो, ताकि मैं अगली दो डीपीपी होमवर्क में दे दूँ। डीपीपी कहाँ तक कर ली अपन ने? एटीन तक अपन कर चुके हैं जैसा कि आप लोगों ने चैट में लिखा, तो 19-20 आप होमवर्क में ले लो, है ना, 19-20 होमवर्क में ले लो। 18 तक अपन कर चुके हैं तो 19-20 होमवर्क में ले लो, और अब फटाफट क्लास नोट्स निकाल लो, अपन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को आगे बढ़ेंगे। सिलेबस कब खत्म होगा? सिलेबस तो कर देंगे बेटा, जब बाकी पी वालों का खत्म होगा उन्हीं के साथ तुम्हारा भी खत्म हो जाएगा, सबके साथ ही हो जाएगा। सिलेबस खत्म होगा जब तक तो अपन लोग साथ आ जाएंगे उनके, सिलेबस खत्म होगा जब तक अपन लोगों के साथ आ जाएंगे बेटा। तो ठीक है, तो अब अपन फटाफट क्लास नोट्स निकालो, आगे पढ़ेंगे, बाकी बात बाद में करेंगे, है ना। चलो तो आगे आ जाओ मैट्रिक्स रिटर्न में, अपन सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक पढ़ रहे थे, अपन सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक पढ़ रहे थे बेटा, और सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक में मैंने डेफिनेशन तुम्हें समझा दी थी, और डेफिनेशन समझने के बाद एक सवाल भी हमने कर लिया था, एक सवाल भी हमने कर लिया था। चलिए कुछ और सवाल करेंगे उसी में, सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक में। चलिए फिर क्वेश्चन लिखिए, दो पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट में लिखिए, प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। प्रूव दैट एवरी इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, एवरी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक। प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, और एक और प्रूव करना है हमें, एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। प्रूव दैट एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक।
पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक, और ऑड अगर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। छोटे छोटे से दोनों प्रूफ है, अच्छे से प्रूफ है। जैसे मान लीजिए मुझे फर्स्ट वाला करना है बेटा, फर्स्ट वाला करना है ना, लिख लो। चलो पहले आप इसको, फिर मैं रफ करता हूँ, फिर करता हूँ। तो अब समझिए थोड़ा। हाँ, अब जैसे फर्स्ट पार्ट करना है तो ए सिमेट्रिक दे रखा है अपने को, सिमेट्रिक दे रखा है। तो ए, इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, ए। नाउ ए की पावर एन को मैं देखूंगा बेटा, ए की पावर एन, इस ए की पावर एन का ट्रांसपोज मैं निकालूंगा। ए की पावर एन का क्या निकालूंगा, ट्रांसपोज निकालूंगा। तो ए की पावर एन का ट्रांसपोज मैं निकालूंगा, अगर वो ए की पावर एन के बराबर आ गया तो ए की पावर एन सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इस ए की पावर एन के ट्रांसपोज का मतलब क्या, देखो बेटा, ए इंटू ए एन टाइम्स हो जाएगा, और इसका ट्रांसपोज लिखा हुआ है। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से समझना बेटा, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से कि ट्रांसपोज सब पे अलग लग जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाता है, ए बी का बी ए हो जाता है, लेकिन यहाँ तो सब जगह ए है, तो ए बी बी ए का फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये एक तरह से ए ट्रांसपोज की पावर कितना लिखा हुआ है, एन। ए ट्रांसपोज किसके बराबर है बेटा, एन। तो इसका ट्रांसपोज इसके बराबर आ गया, देयरफॉर ए की पावर एन क्या हो गया, सिमेट्रिक। ए की पावर एन क्या हो गया, सिमेट्रिक। यस और नो? एक चीज जो और हम यहाँ पे अपने काम के लिए बना सकते हैं, कि एक चीज जो और मैंने यहाँ पे सीख ली, जो मैं अपने लिए काम में ले लूंगा, वो एक और चीज मैंने यहाँ पे ये सीख ली कि अगर ए एन का ट्रांसपोज है तो वो ए ट्रांसपोज की पावर एन हो जाता है। ये एक और चीज मैंने सीख ली यहाँ पे। देखो, ए एन ट्रांसपोज था तो ए ट्रांसपोज को एन के बराबर लाया, फिर बाद में मैंने ए रखा, बट एक तरह से मैं इससे ये भी तो ले आया। तो अब मैं बार बार इतना नहीं लिखूंगा, मैं बार बार इतना नहीं लिखूंगा, मैं ये पावर और ट्रांसपोज को डायरेक्ट इंटरचेंज कर दूंगा। पावर और ट्रांसपोज को डायरेक्ट क्या करूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा। ठीक, तो ए ट्रांसपोज को मैंने ए लिख दिया क्योंकि ये क्या था, सिमेट्रिक था। अब मुझे यही चीज इसकी सिमेट्रिक के लिए भी प्रूव करनी है। ये लिख के डन बोलो, इसको रफ करके इसकी सिमेट्रिक वाला कर दूंगा। ये लिख के डन बोलो, इसको रफ करके इसकी सिमेट्रिक वाला कर दूंगा। तो अब अगर सेकेंड वाला मुझे करना है तो अब मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा। मुझे ए इसक्यू सिमेट्रिक दे रखा है, सेकेंड वाले में ए क्या दे रखा है, इसक्यू सिमेट्रिक। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा ना। ए ट्रांसपोज की पावर एन, ए ट्रांसपोज की पावर एन, ए ट्रांसपोज को माइनस ए लिख दिया। अब देखो, ये माइनस ए एन है यहाँ पे, तो ये एन बाहर तो एन के इवन नोड पे डिपेंड करेगा। अगर एन इवन हुआ, अब दो ऑप्शन बन जाएंगे, अगर एन इवन हुआ तो ये ए की पावर एन बनेगा, और अगर एन ऑड हुआ तो ये माइनस ए की पावर एन बनेगा। तो ऑब्वियसली स्क्यू सिमेट्रिक कब आएगा भाई, ए एन का ट्रांसपोज माइनस ए एन के बराबर कब आएगा, जब एन ऑड होगा। तो इस केस में तो ये सिमेट्रिक बनेगा, और इस केस में स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक से जब एन क्या होगा, ऑड होगा। यस और नो? एन ऑड होगा तो इसकी सिमेट्रिक बन जाएगा, इवन होगा तो नहीं बनेगा। हाँ या ना बोलो जल्दी से। हाँ
इसी तरह का एक और सवाल देता हूँ, एक और सवाल लिखे इसी तरह का। ए एंड बी आर टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। एंड बी आर टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ए एंड बी आर टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन देन ए बी ए ट्रांसपोज, देन ए बी ए ट्रांसपोज इज, ए बी ए ट्रांसपोज इज, चार ऑप्शन है बेटा, ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन क्या है? सिमेट्रिक, इफ ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। आपको बताना है इसका आंसर। ए एंड बी आर टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी ए ट्रांसपोज, ए बी ए ट्रांसपोज इज, ए बी ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा अगर ए सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक होगा अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। बताओ बेटा इसका आंसर बताओ, वही सीधा सा सवाल है। आया आंसर, तरीका वही होगा, आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तरीका वही होगा इस तरह के सब सवालों में, सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक में आप ट्रांसपोज निकालेंगे, और ट्रांसपोज निकाल के ही आगे का सवाल डिसाइड होगा कि क्या आएगा। तरीका एकदम सिंपल है, ट्रांसपोज हमें निकालना है।
वही ए बी ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे हम। किसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे? ए बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो वही ट्रांसपोज सब पे अलग अलग लग जाएगा और ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है और ये हो गया। अब फिर वही यहाँ पे सारी गणित किस पे समझेगी? यार मुझे लग रहा है कि मैंने सवाल में ऑप्शन गलत लिखा दिए। वो ऑप्शन में जहां जहां ए लिखा ना अपन ने, वहां बाप बी कर लो उस ए को, बी पे डिपेंड करेगा। जहां जहां ऑप्शन में ए लिखा वहां बी कर लो, सिमेट्रिक इफ बी सिमेट्रिक ऐसे कर लो, और इसके सिमेट्रिक इफ बी, तो वो ए की जगह बी कर लो, बी पे डिपेंड करेगा, ए पे नहीं करेगा ना, बी कर लो उसमें ऑप्शन में सब जगह बी 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 कर लो ए की जगह, है ना। अब ठीक है, अब बन जाएगा। अब ये देखो बेटा किस पे डिपेंड करेगा? बी पे। हाँ बी पे डिपेंड करेगा, है ना, बी पे डिपेंड करेगा। तो अब दो केस बन जाएंगे। देखो अगर बी सिमेट्रिक या फिर बी स्क्यू सिमेट्रिक, अगर बी सिमेट्रिक है तो समझो ये ए बी ए ट्रांसपोज होगा, तो ये ए बी ए ट्रांसपोज हो जाएगा, इसका मतलब मैट्रिक्स ही हो जाएगा। और अगर बी स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो ये माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस के ए बी ए ट्रांसपोज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी सिमेट्रिक है तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, और अगर बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब आपका ऑप्शन आ जाएगा ए और डी। इफ बी सिमेट्रिक होगा, इफ बी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इफ बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए और डी दो आंसर इसके आ जाएंगे। कंप्लीट हो जाए तो यस और नो बोले, आगे बढ़ेंगे। हो जाएगा। अब चलिए एक और सवाल करते हैं, इसका एडवांस में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है। अब जो करेंगे कैसे पता चला कि बी पे डिपेंड करेगा? ऐसे पता चला कि बी पे डिपेंड करेगा कि भाई इसको निकाल देते, हम चाहते थे कि या तो ये बने या तो ये बने, अगर इन दोनों में से कुछ बनेगा तभी तो मैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बोल पाऊंगा, और बन ये रहा था, हम चाहते ये थे, बन ये रहा था, तो इससे ये तो तभी बन सकता है जब बी ट्रांसपोज बी हो जाए या फिर बी ट्रांसपोज माइनस बी हो जाए। भाई पता तभी चलेगा जब आप ट्यूशन में क्या दे रखा है वो आपको पता रहेगा, क्या लाना है वो पता रहेगा। अगर दो चीजें आपको पता रहेगी तो ये अपने आप पता लग जाएगा कि किस कैसे सोचेंगे। सही कह रहा हूं मैं? हमें पता होना चाहिए कि क्या दे रखा है, क्या आया है, क्या लाना है। ए और डी ऑप्शन सही है बेटा, इसके ए एंड डी बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए इफ एम एंड एन आर टू नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ एम एंड एन आर टू नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, एम एंड आर टू नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, एंड एक्स इज ए, एंड कैपिटल एक्स इज ए नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर, देन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, एम और एन 3x3 के सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और कैपिटल एक्स इसी ऑर्डर का नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन वही चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन एम इंटू एन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी ऑप्शन एम इंटू एन इज सिमेट्रिक इफ प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इफ प्रोडक्ट इज
कम्यूटेटिव, इफ प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, सी ऑप्शन x4 m³, x4 m³ माइनस m³ x4, x4 m³ माइनस m³ x4 इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड डी ऑप्शन x4 m³ माइनस m³ x4 इज स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए बेटा करिए इस क्वेश्चन को, अच्छा सवाल है। ऑर्डर 3x3 एंड मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन सेम ऑर्डर लिखा हुआ ना, सेम ऑर्डर बोलता भी तो हूं मैं बेटा, सेम ऑर्डर देन, इन चार में से ऑप्शन बताना है क्या है। करेक्ट ऑप्शन की बात करें बेटा हम, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है ए, सॉरी बी एंड डी। करेक्ट ऑप्शन बी एंड डी, बोथ आर करेक्ट। कैसे आए वो देखते हैं। अब दिख रहा है कि ये इसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, नेक्स्ट टू ऑप्शन के लिए कुछ अलग करना। गिवन क्या है बेटा अपने पास वो देख लेते हैं। गिवन है अपने पास कि एम ट्रांसपोज एम के बराबर है, एन ट्रांसपोज एन के बराबर है और एक्स ट्रांसपोज माइनस एक्स के बराबर है। ये गिवन है ना। अब देखिए, एक तो अपन एम एन का ट्रांसपोज निकाल लें, तो ये एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये एन एम होगा बेटा। अब ये एन एम आ रहा है लेकिन मुझे तो एम एन चाहिए। अगर एम एन हो जाए तब तो मैं लिख दूंगा कि एम एन सिमेट्रिक है,
एनएम का एनएल हमेशा थोड़ी ना होता है, एनएम को एमएन तो मैं तब लिख सकता हूँ जब प्रोडक्ट क्या हो कम्युनिटी, तो ये एमएन तभी लिख पाऊंगा मैं जब क्या होगा प्रोडक्ट एज कम्युनिटी, क्योंकि मैंने तो पढ़ रखा है ये कि ए बी बी ए हमेशा बराबर नहीं होता, तभी होता है जब प्रोडक्ट क्या हो कम्युनिटी, यस और नो, ये आपका एक पार्ट हो गया। अगर आपको दूसरा पार्ट करना है तो भी तरीका यही होगा, हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे बेटा, हम क्या निकालेंगे इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अब ध्यान से समझे, देखो इस ट्रांसपोज को पहले तो ये ट्रांसपोज दोनों पे अलग अलग लग जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज होता है। अब इस पे जब आधा प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज लगेगा तो ऑर्डर चेंज होगा बेटा, प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज लगेगा तो ऑर्डर क्या होगा चेंज होगा, प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज लगेगा तो ऑर्डर चेंज होगा, प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज लगा दो ऑर्डर चेंज होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, यस मैं जिन्होंने बोल फिर साथ, प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज लगेगा तो ऑर्डर चेंज। अब आपका क्या है, अब आपको मैंने ये भी बता दिया ये पावर और ट्रांसपोज इंटरचेंज हो जाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अपन ने ये भी पढ़ लिया कि पावर और ट्रांसपोज क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, ताकि अपना काम आसान हो जाए, पावर और ट्रांसपोज इंटरचेंज करती है। अब सबकी वैल्यू भी डाल दू, एम ट्रांसपोज की जगह कितना डाल दू एम, एक्स ट्रांसपोज की जगह कितना डाल दू एक्स, फिर माइनस एक्स की पावर 4 और एम की पावर 3, एम की पावर, एम की पावर 3, 3 क्या बन गया, ये माइनस है बेटा, तो माइनस तो खत्म हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये जाएगा ये एम क्यूब एक्स 4 माइनस एक्स 4 एम क्यूब। अब इसको कैसे लिखूं, मुझे तो यही चाहिए पहले एक्स फोर एम क्यूब चाहिए, तो चलो इसको आगे पीछे तो लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसमें से इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया, माइनस कॉमन ले तो ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा, ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। यस चलो बोलिए जल्दी से, मेरे ख्याल से बिल्कुल सीधा सा सवाल है, एडवांस में आया है तो बोलिए अगला सवाल लिखते हैं। इफ एक मैट्रिक्स है बेटा 1 0 1 1, ठीक, क्यू एक मैट्रिक्स है पी ए पी ट्रांसपोज, क्यू एक मैट्रिक्स है पी ए पी ट्रांसपोज एंड पी पी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना है आई, पी पी ट्रांसपोज इक्वल टू है आई इक्वल टू है पी प्लस पी, देन मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स पी ट्रांसपोज 2021 ई इक्वल टू ए ऑप्शन, वन वन जीरो 2020 बी ऑप्शन, 2021 वन 2021 जीरो सी ऑप्शन, 2021 जीरो 2021 वन सी ऑप्शन, वन जीरो वन 2021
एलिजेंट एओडी चेंज चेंज किया है बढ़िया हो गया। चलो सीधा सा सवाल है बेटा, कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है। हाँ डी आंसर करेक्ट है बेटा, हमें ये निकालना है पी ट्रांसपोज Q2021 और पी। अब आप ऐसे समझिए कि ये पी ट्रांसपोज है, ये क्यू 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 आता जाएगा, लास्ट तक क्यू आएगा,
जितनी भी बार आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्यू क्या है आपके पास? क्यू है आपके पास पी ए पी ट्रांसपोज, फिर आएगा आपका पी ए पी ट्रांसपोज, ऐसे लास्ट में भी आएगा आपका पी ए पी ट्रांसपोज और ये पी हो जाएगा। तो अब यहां पे क्या होगा बेटा, पेयर बन जाएंगे। देखो पी ट्रांसपोज पी का पेयर बनेगा, फिर यहाँ पे पी ट्रांसपोज पी का पेयर बनेगा, फिर यहाँ पे पी ट्रांसपोज पी का पेयर बनेगा, ऐसे सब जगह ए आखिरी में बचेगा और पी ट्रांसपोज पी का पेयर बन जाएगा। अब ये सब तो आई ए आई ए आई ए ऐसे ही बन जाएंगे, लास्ट में ए आ जाएगा, आई आ जाएगा, और टोटल 221 है, तो ए की पावर भी 221 ही आएगा, और ए की पावर 221 ये होगा, ये अपन पहले निकाल चुके हैं क्लास में, पिछले क्लास से इस तरह का सवाल किया था मैंने ए की पावर एन के लिए, यस और नो, पिछले इस क्लास में मैंने ए की पावर एन का इस तरह का सवाल किया था, वहां से आएगा। नेक्स्ट लिखो, कन्वर्ट फॉलोइंग मैट्रिक्स, एज सम ऑफ, कन्वर्ट फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कन्वर्ट फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कन्वर्ट फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कन्वर्ट फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है ये बेटा, और इन्हें हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। कन्वर्ट फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया बेटा, ये उससे करना पड़ेगा। वो जो रिजल्ट प्रूव किया उससे, कि जैसे ए दे रखा है तो ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे बेटा, तो 1 2 3 4 है ना, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो फिर ए को अपन ऐसे लिखेंगे जैसे हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो इस ए को हाफ ऑफ ए 1 2 3 4, 1 3 2 4, हाफ 1 2 3 4 माइनस 1 3 2 4, तो ए हाफ अभी भी बाहर है, यहाँ कितना हो गया 2 5 5 8,
हाफ, यहाँ कितना हो गया, 0 माइनस 1, 1 0, तो ए आपके पास कितना आ गया, हाफ को भी अंदर भेज दो बेटा, 1 5 2 5 बाई 2 4, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 0 माइनस हाफ, 0.5 4 0, ये आपका फाइनल आंसर है। आप क्या आप देख पा रहे हैं कि ये सिमेट्रिक है, क्या आप देख पा रहे हैं सिमेट्रिक है, यस ये सिमेट्रिक है, क्या आप देख पा रहे हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक है, यस ये स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल में 0, अपोजिट में साइन चेंज माइनस प्लस, तो हम एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। हो गया हो तो डन बोल देना बेटा, एनसीईआरटी में है ऐसे 5-7 सवाल, ये एनसीईआरटी से लिया है सवाल, है ना, अपने मेंस एडवांस में तो इस तरह का कुछ खास काम आना नहीं, एनसीईआरटी में जरूर मिल जाएंगे इस तरह के सवाल, तो इनकी प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी अपन देंगे। चलिए अभी दो और अच्छे सवाल अपने पास बने हुए हैं वो और करेंगे, इसको लिख के हटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। है ना, तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ मेनी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, ये भी अच्छा सवाल है, हाउ मेनी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, हाउ मेनी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स आर फॉर्म, डायगोनल मैट्रिक्स आर फॉर्म, डायगोनल मैट्रिक्स आर फॉर्म विद इंटीजर एंट्रीज, विद इंटीजर एंट्रीज, विद इंटीजर एंट्रीज इन विच ए ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू है आई, इन विच ए ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू है आई, हाउ मेनी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स आर फॉर्म्ड विद इंटीजर एंट्रीज इन विच ए ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू कितना है आई, इन विच ए ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू कितना है आई, तो डायगोनल मैट्रिक्स आप जानते ही हैं क्या लेते हैं अपन, डायगोनल मैट्रिक्स जब भी जरूरत पड़ती है तो ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स हम मान लेते हैं डी, डायगोनल ऑफ ए बी सी, इसका मतलब वही होता है, आप चाहे लिखे चाहे ना लिखे, इसका मतलब है ए 0 0, 0 A 0, 0 B 0 एंड 0 0। अब मैंने आपको यह भी कहा कि डायगोनल में सब कुछ क्या होता है डायरेक्ट, डायगोनल में सब कुछ क्या होता है डायरेक्ट, तो आप चाहें तो ए ट्रांसपोज भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज में ये रो कॉलम इंटरचेंज होंगे तो फिर वो भी एबीसी ही रहने वाला है, अगर आप ए ए ट्रांसपोज लिखोगे तो वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, अब चुकी ए ए ट्रांसपोज किसके बराबर है आई, इसका मतलब ये हुआ कि ये ए स्क्वायर 0 0, 0 B स्क्वायर 0, 0 0 C स्क्वायर, ये आई के बराबर है बेटा, 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1, और ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब ए स्क्वायर भी 1 हो, बी स्क्वायर भी 1 हो, सी स्क्वायर भी 1 हो, इट मींस ए प्लस माइनस 1 हो, बी भी प्लस माइनस 1 हो और सी भी प्लस माइनस 1 हो, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो आपसे पूछा है वो नंबर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा बेटा, कितने मैट्रिक्स बनेंगे बताओ, नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं, 8, वेरी गुड, नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो हमसे पूछा है वो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 8, कैसे
इस ए को लेने के कितने तरीके हैं? दो, प्लस वन माइनस वन। इस बी को लेने के कितने तरीके? दो, प्लस वन माइनस वन। इस सी को लेने के कितने तरीके? दो, प्लस वन और माइनस वन। ए को लेने के दो तरीके, बी को लेने के दो तरीके और सी को लेने के दो तरीके। अब हो गया हो तो डन बोल देना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे। एक और सवाल करते हैं, थोड़ा सा ये भी अच्छा सवाल है। हाउ मेनी थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर, हाउ मेनी थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म, मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट, यूजिंग डिजिट 0 0 0 1 1 1 -1 -1 और -1। हाउ मेनी थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 0 0 0 1 1 -1 है ना। एंड फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी ऑफ देम आर स्क्यू सिमेट्रिक, एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर सिमेट्रिक। पहले तो ये बताना है कि भाई 3 0 3 1 और 3 -1 का यूज करके कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं हम। फिर हमें ये भी बताना है कि इनमें से कितने सिमेट्रिक हैं और कितने स्क्यू सिमेट्रिक हैं। हमें ये भी बताना है कि इनमें से कितने सिमेट्रिक हैं और कितने स्क्यू सिमेट्रिक हैं। अब देखिए, अगर आपको मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि यार एक 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बनाना है। मान लीजिए ये है ए बी सी, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। तो हर एक एलिमेंट को लेने के आपको इसको तो सीधे सीधे बना लो भाई, ये टोटल 9 चीजें हैं, तो नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितना हो जाएगा? टोटल 9 चीजों को अरेंज करना है जिसमें से फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, करेक्ट है भाई? ये एक तरह से 9 चीजों को 9 प्लेस पे अरेंज करना है जिसमें से ये 3 सेम है, ये 3 सेम है, ये 3 सेम है। तो टोटल मैट्रिक्स तो इसी से निकल जाएंगे, यस और नो? टोटल मैट्रिक्स निकालना है हमें, टोटल मैट्रिक्स इससे निकल जाएंगे, यस या नो बोलिए भाई? टोटल 9 चीजों को 9 प्लेस पे अरेंज करना है ना, और बस उसमें से 3 सेम 3 सेम और 3 सेम है। ये काम तो बड़ी आसानी से हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो टोटल मैट्रिक्स हो गया, ये तो टोटल मैट्रिक्स हो गया कि भाई टोटल तो इतने होंगे, जो भी आंसर है लिख लेना। अब मान लीजिए मुझे स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए बेटा,
मुझे क्या चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, 3 जीरो तो डायगोनल में आ जाएंगे, तो डायगोनल में तो तीनों जीरो आ जाएंगे ना, डायगोनल वाले में तो दिक्कत नहीं, यहाँ पे फिक्स है कि तीनों जीरो यहाँ पे आ गए, तीनों जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, डायगोनल में तो जीरो आ जाएंगे। अब एक्चुअली तीन एलिमेंट यहाँ पे होंगे और माइनस के उनके नेगेटिव यहाँ पे होंगे। तो अब देखो आपके पास ऑप्शन क्या है बेटा, आपके पास ऑप्शन क्या है कि जीरो तो यहाँ पे आ गए, अब 3 1 और 3 -1 है, 3 1 और 3 -1 है, तो कैसे हम भरे कि ये अपना काम हो जाए। 3 1 और 3 -1 है अपने पास, ये है ऑप्शन, 3 1 है और 3, जो जीरो तो उसके उसी में आएंगे वो तो फिक्स है क्योंकि हम स्क्यू सिमेट्रिक बना रहे हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक बना रहे हैं तो जीरो के अलावा तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं अपने पास, है ना। तो अब क्या हो सकता है, ध्यान से समझो, इस एक्स को लेने के कितने तरीके हो सकते हैं, दो, वन या -1। इस वाई को लेने के भी दो तरीके, वन या -1। नहीं, ये जीरो तो भरेगा ही नहीं, नहीं ऐसे नहीं कर सकते ना भाई, अगर यहाँ 1 आ गया तो यहाँ -1 आएगा। इन तीन प्लेस को नहीं भरेंगे अपन, अपन इन तीन प्लेस को भरेंगे, जैसे यहाँ 1 आ गया तो यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ गया तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये एक प्लेस भरा, ये ऑटोमेटिकली भर गया, ये भरा, ये ऑटोमेटिकली भर गया, ये भरा, ये ऑटोमेटिकली भर गया, तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ बेस भाई, हर एक प्लेस को भरने के दो तरीके होंगे भाई, इसको 1 या -1 किसी से ही भर दो, तो जैसे यहाँ 1 भरा तो यहाँ -1 आ गया, फिर इसको भरने के दो तरीके, 1 या -1 कुछ भी भर दो उससे यहाँ पर जाएगा, एक तरीके हो गया। अब सिमेट्रिक वाला तुम सोच लेना क्या करना है। अच्छा अब अपन कल क्या क्या डिस्कस कर देंगे, एनसीईआरटी में तो अपन ने 3.1 दे रखे, 3.2 और 3.3, ये तीनों में कल डिस्कस कर दूंगा एनसीईआरटी में, छोटी सी है, 3.1, 3.2, 3.3, ये तीनों कर दूंगा। और शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन ए, बस पार्ट फर्स्ट का सेक्शन ए बेटा ना, क्योंकि एनसीईआरटी है तो कल एनसीईआरटी और पार्ट फर्स्ट का सेक्शन ए कर देंगे, एनसीईआरटी कर लेंगे तीनों, ज्यादा इसमें डाउट होंगे नहीं मेरे ख्याल से, और एक ही कर लेंगे शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन है। ठीक है, तो मीटिंग क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं फिर, है ना। डीपीपी तो आप कर लेना, कल थोड़ी ना डिस्कस करेंगे अपन, है ना, डीपीपी कल डिस्कस नहीं करेंगे ना, डीपीपी तो या तो सैटरडे को एक आध करेंगे या फिर अगले वीक में करेंगे, है ना, सैटरडे को कर लेंगे एक आध, कल तो नहीं करेंगे, कल तो ये एनसीईआरटी और ये करेंगे, है ना। डीपीपी टाइम बचे तो तुम कर सकते हो, लेकिन अपन डिस्कस सैटरडे को ही करेंगे डीपीपी। चलो अब मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, ओके।